ये इनकी दुल्हन है हर। और अभी नमस्कार दगड़ियों, मैं भावना पोखरियाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल भावना पोखरियाल एंड फैमिली में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? मेरी तो आजकल हालत बिल्कुल टाइट हो रखी है क्योंकि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, इसलिए मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को लास्ट व्लॉग कैसा लगा, जो कि जिस दिन भैया की सगाई थी उससे पहले दिन का था, पहली रात का। उस दिन सबने मेहंदी लगाई थी, सबने बहुत इन्जॉय किया, और फिर दूसरे दिन सगाई में गए और सगाई के बाद भी बहुत इन्जॉय किया इन लोगों ने सबने। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उन सब सारे मोमेंट्स को। जब अन्नू व्लॉग्स बना के लाई तो मैंने देखा वाओ इन लोगों ने कितने मज़े किए हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार शिट मैं क्यों नहीं जा पाई, बट आयुष की वजह से नहीं जा पाई। पूरा मतलब जो क्रेडिट है ना मेरे नहीं जाने का, वो आयुष ही है। आयुष की वजह से नहीं जा पाई मैं, वरना मैं भी पक्का जाती, बट कोई बात नहीं, भैया की शादी में जाएंगे तो फिर और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे। तो लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भैया की मेहंदी लगाई थी, मतलब भैया की लगाते वक्त तो नहीं बनाई उन्होंने व्लॉग, लेकिन बाकी सब की लगाई और बाकी सब ने इंजॉय किया। तो उसके बाद तो जो आज का व्लॉग है वो इंगेजमेंट व्लॉग है। तो सबसे पहले भैया और भाभी आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारे सारे सारे रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हर उस इंसान को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भैया से और भाभी से कनेक्टेड है। मैं हर किसी को विशेस देती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे भैया की शादी हो रही है और हम शादी में भी जाएंगे। तो आज का चलो फिर आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं जो अन्नू बना के लाई है, इंगेजमेंट व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, अब बस रेडी होना है। जब तक मैं नानी को तैयार कर रही हूँ। तो नानी को पूरा कर दिया है तैयार। ये मेरे मामा जी हैं और ये गौरी है। हाय। फाइनली हम सब अब तैयार हो गए, अब जा रहे हैं। सब तैयार हो गए, सब रेडी है, सारे रेडी हो गए हैं। अब ये दूल्हे की नानी है और ये दूल्हे की बुआ है और ये मौसी है और ये बड़ी मौसी है और ये मामी है। वाओ सो ब्यूटीफुल। ये दूल्हे दुल्हन के दादाजी हैं और ये नाना जी है। हाय करो, हाय करो। और ये दूल्हे के सबसे छोटा भाई है। हाय। और ये बहन। हाय। और ये दूल्हे की भाभी। हाय। ये दूल्हे हैं, ये बहुत शर्म आ रही है, तो हम भाभी से मिलाएंगे, भाभी को भी दिखाएंगे। और ये मेरे दादाजी है। जवान दादी, आपको ना इनको आपने दीदी की शादी थी तो उसमें भी देखा होगा। ये दूल्हे के पापा हैं। ये दूल्हे की मम्मी है। बताना कैसी लग रही है? मस्त। नाना जी और दादाजी। ब्लॉग्स थोड़ा सा बेटर, ये क्या कहते हैं वो प्रूफ भी रख रही हैं, मैंने टीका लगाया भी है। सबसे ज्यादा मेहनत तो ये करने से। बोलो चाची के पास। ओ चाची के पास जा ले हो चाचा।
दो गाड़ी जा चुकी है और अभी आधे अंदर बैठ रखे हैं और एक ये चलेगी और अभी आधे अंदर है। बाय बाय। ये काम कर रहे हैं। अब हम सब जा रहे हैं। शॉपिंग ऐप पर मैं बताता हूँ कहाँ से। फाइनली हम पहुंच गए हैं भाभी जी के घर पे। सारे आ रहे हैं और आगे चले गए हैं। सबका मेल मिलाप हो रहा है। अब हम सबका वेलकम हो रहा है। ये रही हमारी भाभी, न्यू भाभी। नमस्ते। अच्छा दीदी पहली वाली चीज थोड़ी होगी। रिटर्न में तो हमारे यहाँ तो आता था, रिटर्न में पैसा भी कितना था। डांटे यार बाकी न जानिया खिलौने ले जानिया है। बाबल तेरे महला बेचो तेरे लाडो पर दे नमस्कारोमी हाथ जोड़ो गणेश जी का ध्यान करो, अपने नेता का कुल नेता का ध्यान करिए, भगवान की प्रार्थना करिए। विघ्नेश्वराय नराय सुरव्याय लंबोदराय नगराय नगराय नागाननाय श्रीमान विश्वम हरिओं श्रीमन
भगवान विष्णु इतनी भाभी ये पुरानी हो गई अब बुढ़ी अब बुढ़ी हो गई भाभी आपको कैसा लग रहा है अपनी फीलिंग्स शेयर करो बोलो तो एंगेजमेंट ब्लॉग यही था और आप कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और बस आज के लिए इतना ही और लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना और आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली ग्रुप में अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करना। सो होप सो गाइस आप लोगों को एंगेजमेंट ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। पहाड़ियों में किस टाइप से एंगेजमेंट होती है, पूजा पाठ होती है और टीका पिठाई, हम लोगों में मेन टीका पिठाई होती है, टीका लगाया जाता है, नेक दिया जाता है और फिर एंगेजमेंट में पूजा पाठ होती है और मांगल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मौसी ने, मेरी दोनों मौसी ने और एक मौसी और आ रखी थी उन्होंने और मम्मी ने, इन लोगों ने मांगल भी गाए जो कि मांगल भी बहुत शुभ माने जाते हैं। और फिर एंगेजमेंट हुई, भैया भाभी ने दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई, रिंग एक्सचेंज करी, फिर सारे जो मतलब होते हैं फैमिली मेम्बर्स वो गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, मतलब भाभी को मौसी लोगों ने गिफ्ट दिए और मौसी लोगों को और सारे रिलेटिव्स को गिफ्ट्स मिले वहाँ से और उसके बाद खाना पीना होता है और उसके बाद बस सगाई डन हो जाती है और फिर अपने घर आ जाते हैं। तो इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो इन्होंने फिर घर पर आके मज़े किए वो दिखाऊंगी मैं उसमें आपको। तो आज का व्लॉग आप लोगों को इंगेजमेंट व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे भैया भाभी को बहुत सारी विशेस दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है हम सबको। तो भैया भाभी को भी प्लीज़ आशीर्वाद देना और मुझे भी आशीर्वाद देना कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे से जाएं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाचा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला तेरी जय जयकारा।